होली और ईद त्योहारों को देखते हुए कोडरमा में मिलावट खोरों पर नकेल कसने के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हरकत में आ गई है। डुमरी तिलैया स्थित कई दुकानें, होटलों और रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने जांच किया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी की अगुवाई में टीम ने झुमरी तिलैया शहर की कई होटल और मिठाई दुकानों में जाकर दूध से बने मिठाइयों के सैंपल लिए और उसे राजधानी रांची स्थित प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया है। होली में बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लोग अपने घर पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोडरमा स्टेशन से सटे मिठाई दुकानों में खास तौर पर अभियान चलाकर जांच की जा रही है और मिठाइयों के नमूने लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नमकीन खाद्य सामग्रियों में घटिया तेल और रिफाइन के इस्तेमाल की सूचना के बाद तिलैया बस्ती में संचालित एक नमकीन फैक्ट्री एसके एंटरप्राइजेस को सील कर दिया गया है। इस फैक्ट्री में बिना फूड सेफ्टी लाइसेंस के नामांकन खाद्य सामग्री का निर्माण किया जा रहा था, साथ ही खाद्य सामग्रियों के निर्माण में घटिया तेल और रिफाइन यूज किए जा रहे थे। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर ये अभियान चलाया जा रहा है और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। त्योहारों को देखते आगे आने वाले होली, ईद, रामनवमी को देखते हुए प्रायः देखा जाता है कि लोग का डिमांड बढ़ता है मिठाई लोग वगैरह का, उसके कारण सप्लाई जो होती है वो उसमें एडल्ट्रेशन की संभावना ज़्यादा हो जाती है। उसी के आदेश में स्टेट से भी हम लोग को सचिव के द्वारा भी आया हुआ है और जिला से भी हम लोग को दिया हुआ है आदेश, तो उसके बेसिस पे हम लोग आज खास करके मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स का हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं, बेसन प्रोडक्ट्स का कर रहे हैं। और बार बार मीडिया में आ जा रहा था कि खराब तेल और मसाला नमकी बनाने में स्पेशली यूज हो रहा है, हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी जो ही ये होली ख़त्म होने के बाद हम लोग ईद का त्यौहार स्टार्ट होने वाला हो भी चुका है, उसमें हम लोग सेवई और खजूर वगैरह पे हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर किसी भी तरह का कोई भी बिना मैन्युफैक्चरिंग डेट, बिना एक्सपायरी डेट, बिना मैन्युफैक्चरर का डिटेल और बिना FSSAI लाइसेंस नंबर और लोगों के अगर कोई भी प्रोडक्ट पाया जाता है, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे।